Hello students, my name is Ashok Kumar और आज इस मॉड्यूल में हम आपसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। इस मॉड्यूल को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस होती क्या है उसके बारे में आइडिया लगा पाएंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है वो आप जान पाएंगे और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से आने वाले बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से हमारी उम्मीदें क्या हैं, इसके डिजायर्ड आउटकम्स क्या होने चाहिए उसकी हमें जानकारी मिलेगी और लास्ट में हम देखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क्स जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के होते हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो मेन फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है क्या? ये एक अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं। इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के साथ कन्फ्यूज ना किया जाए क्योंकि दोनों का मकसद अलग अलग है। जहां आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे रिस्क डिसीजंस हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए, उसी तरह उसी जगह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि वो जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस में लेगा कौन। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है ये हमारी अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है कि कोई भी समस्या होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में टू गेट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम की बहुत क्लियर जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो तभी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है जब उसका अप्रिसिएशन टॉप मैनेजमेंट के साथ हो। Implementation is successful only when we have top-down approach. Implementation of InfoSec governance, इससे हमें मिलता क्या है? सबसे पहला जो outcome है इसका वो है कि हमारे जो information security और organization goals और business policy का alignment हो जाता है क्योंकि business एक तरह से run करता है, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कई बार इतनी डोमिनेट हो जाती है कि लोग मेन काम को छोड़ के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे पड़ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का सबसे पहला मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बिजनेस के साथ अलाइन हो, ना कि बिजनेस आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे आ जाए। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा आउटकम होता है वो हम टाइम टू टाइम मेजर्स लेते रहते हैं ताकि जो भी हमारे रिस्क हैं वो धीरे धीरे एक एक करके निकल जाएं और पूरा हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर हो जाए। रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको इफेक्टिवली और प्रोफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज किया जाए ये हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से मिलता है। साथ ही साथ अगर हम अपने लोगों की और अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहें उसमें बहुत बड़ी मदद मिलती है और जितना हमने इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किया है उसकी वैल्यू हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलती चली जाती है। नेचुरली जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और एसेट्स में हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा ध्यान कुछ बेनिफिट्स की तरफ है, कुछ बेनिफिट्स के बारे में सोच के ही हम इतना सब एफर्ट करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज जो है पूरी गुड गवर्नेंस की उसमें हमको पूरा इसका शेयर मिलता है। हमारी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है अनसर्टेनिटी की
वो हमारी बहुत एक्यूरेट होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क जो हैं वो कम होते चले जाएंगे या फिर एक्सेप्टेबल लेवल में आ जाएंगे. दिस प्रोवाइड्स अस सेफगार्ड फ्रॉम इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ सिविल और लीगल लाइबिलिटीज. जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के, वो पूरे सिस्टम को अलाइन करा देते हैं लोकल लॉज के साथ. तो धीरे धीरे हमारी जो लाइबिलिटीज हैं लीगल और सिविल, वो बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन हो जाती हैं. और साथ ही साथ जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं वो, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनकी एलोकेशन की भी आपको पूरी मदद मिलती है. रीश्योरेंस ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड पॉलिसी कंप्लायंस. और साथ ही साथ आपको एक फर्म फाउंडेशन मिलती है जिससे कि आप इफेक्टिव और एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमें ये भी एश्योरेंस मिलती है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ना हो. नेचुरली जितनी एक्यूरेट आपकी इंफॉर्मेशन होगी उतने ही डिसीजंस आपके अच्छे होंगे और रियलिटी पे बेस्ड होंगे. साथ ही साथ जब आप मर्जर एक्विजिशंस और बिजनेस प्रोसेस रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरी मदद मिलती है कि आपकी इंफॉर्मेशन सेफगार्ड रहे और आप रेगुलेटरी कंप्लायंस हो. ये मदद आपको तभी मिलेगी जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली आफ्टर वी इंप्लीमेंट दिस एंड वी स्टार्ट डिराइविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ दिम. जैसे जैसे हमको इसके फायदे दिखते रहेंगे तो हमको लगेगा कि हमने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसके फायदे क्या हैं, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेज जाता है. सबसे पहला जो इसका इम्पैक्ट आता है, अगर कुछ डिजास्टर हो जाए या कोई गड़बड़ हो जाए तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको बहुत हद तक एक्सेप्टेबल लेवल में लेके आ जाता है. मतलब जो आपको अगर कोई इम्पैक्ट आता भी है तो उससे बिजनेस को जो अफेक्ट है वो मिनिमल होगा या फिर ना के बराबर होगा. आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसेट्स जो हैं जिनको कि सबसे बड़ा रिस्क है डिस्क्लोजर डैमेज और डिसकंटिन्यूटी और इनएक्सेसिबिलिटी, वो सब आपके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं. आपकी किसी भी प्रोग्राम का, सिक्योरिटी प्रोग्राम की जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कैसे अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफॉर्मेशन का लाइफ साइकिल है उसके दौरान आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इंप्लीमेंट करते हैं. कायदे से हर ऑर्गेनाइजेशन का ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. बहुत ज़रूरत है कि इसको आपका आईटी गवर्नेंस, आपकी कंपनी स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन और ऑपरेशंस के साथ इसको ठीक से अलाइन किया जाए. अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो आपकी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सहारा मिलता है. इनफैक्ट प्रोटेक्टिंग द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मस्ट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर रिस्क टू बी कंसिडर्ड इन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज एज अ क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सक्सेस. बॉटम लाइन इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायर्स कमिटमेंट बाई टॉप मैनेजमेंट. आप अगर कंपनी में टॉप मैनेजमेंट अगर इस चीज़ को रियलाइज कर लेता है कि पूरे बिजनेस
कि जो नींव है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इसको इंप्लीमेंट करने में हमेशा मदद देंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप होती है। वो बहुत जरूरी है कि हर आदमी, छोटे आदमी से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक, हर आदमी अलाइन है कि जे पूरे बिजनेस की नींव जो है वो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। इस सब डिस्कशन के बाद हम देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं। वॉयलेशन ऑफ लीगल इश्यूज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो पूरी कंपनी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई भी कानून, लोकल कानून हो, उसका पालन ना हो, आपके यहाँ रेड हो सकती है। देर कैन बी सो मेनी लोकल इश्यूज और हर कंपनी चाहेगी कि हम इस तरह के मुसीबत में ना पड़े। कंपनीज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एथिकल बिजनेस करें, उनके ऑपरेशन जो हों उसमें एम्प्लॉयज़ की और कस्टमर की जो भी जानकारी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन सब को इंश्योर करने के लिए बहुत काम हुआ है और कुछ लीगल एक्ट्स बनाए गए। सबसे पहला जो एक्ट इस श्रेणी में आता है उसको हम जानते हैं, सर्बान ऑक्सली एक्ट, सॉक्स के नाम से, जो कि 2002 में अमेरिका में फेडरल लॉ में इम्प्लीमेंट हुआ था और इसमें यूएस पब्लिक कंपनीज, बोर्ड मैनेजमेंट और पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स के लिए इसमें नियम बनाए गए। सॉक्स प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट्स फॉर हाउ कंपनीज मस्ट ट्रैक, मैनेज एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा एंड गारंटीज इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी वट एवर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर हैंडलिंग। मोस्ट कंपनीज रिलाई ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज फॉर ट्रांजेक्टिंग एंड अचीविंग डेटा। देयरफॉर प्रोसेस एंड कंट्रोल्स मस्ट बी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द डेटा। आज हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आपने पूरा सिस्टम डिजिटल लगा दिया लेकिन आपके कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स डेटा और उनके इंटीग्रिटी वो अपनी जगह पे नहीं है, तो इन ऑल पॉसिबिलिटी ये डेटा कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता है। इसको इंश्योर करने के लिए ये कानून पास किया गया था कि आप अगर डिजिटल डेटा को हैंडल कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें सिस्टम लगेंगे ताकि आप एथिकल प्रैक्टिस और कानून के साथ आपके कंप्लायंस हो। इसमें बड़ा क्लियरली इन्होंने लेआउट किया कि आप अगर सॉक्स के साथ आप नहीं कंप्लाई करते हैं तो बड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इसमें आपको लगाई जाएंगी, यहां तक कि आपको जेल भी हो सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो डेटा जो कि बहुत कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया कि वो बड़ा एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स। और इसी को मद्देनजर एक कानून पास किया गया जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हिपा के नाम से इसको जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फॉर प्रोटेक्टिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये कानून जो है ये इंश्योर करता है कि सारे डेटा की इंटेग्रिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो भी इससे मेडिकल डेटा से डील कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, वो सब के सब इसको एडहेयर करें, इससे कंप्लाई करें। उन्होंने इसको नाम दिया है प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, PHI। ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जिसमें कि हेल्थ स्टेटस, प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर और पेमेंट फॉर हेल्थ केयर लिंक टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ये इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से लीक हो जाती है और ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि
जो लोग इसको हैंडल कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को, उनसे लीक हुई है और वो प्रूव कर देते हैं कि भाई ये गलती थी, हमारा जानबूझ के नहीं किया गया है, तो उस पर $25,000 पर ईयर तक की पेनल्टी है। अगर प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन नोइंगली अगर कोई डिस्क्लोज कर देता है तो इसमें उन्होंने $50,000 तक और एक साल की जेल तक का प्रोविजन इन्होंने रखा गया है। और साथ ही साथ थर्ड प्रोविजन में अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि फला फला इंसान ने पर्सनल गेन्स के लिए और मलिशियस पर्पस के लिए ये इन्फॉर्मेशन कंप्रोमाइज़ की है, तो उसको 10 साल की जेल और $2,50,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। जो अगला एक्ट हम डिस्कस करेंगे उसको ग्राहम लीच बिली एक्ट के नाम से जाना जाता है, GLBA। 1990 में एक्ट पास हुआ था। दिस एक्ट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप प्राइवेसी नोटिसेस एंड गिव देयर कस्टमर्स द ऑप्शन टू प्रोहिबिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन विद नॉन अफिलिएटेड थर्ड पार्टीज। आज हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा, स्पेशली इन इंडिया, हम उसको ये नहीं मान सकते कि वो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, हमारा नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, ये सब कुछ इसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड है या नहीं है। आप कहीं जाते हैं, किसी सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ डेटा देते हैं, वो डेटा किस तरह से मार्केट में सर्कुलेट होता है, अचानक से टेली मार्केटर्स कहाँ से आपका डेटा ले आते हैं, आपको कॉल करते हैं पर्सनल लोन के लिए और सो मेनी थिंग्स के लिए, आपको प्लॉट लेने के लिए, आपको घर लेने के लिए, सो मेनी कॉल्स यू रिसीव। हैव यू एवर थॉट कि ये डेटा उनके पास जाता कहाँ से? क्योंकि ये डेटा हम कहीं ना कहीं तो शेयर करते हैं, हम बैंक में शेयर करते हैं और सर्वेज में शेयर करते हैं, अपने मोबाइल में शेयर करते हैं, तो या फिर हमारे दोस्त जिनके पास हमारा डेटा है वो शेयर कर लेते हैं, तो ये डेटा कहीं ना कहीं से तो किसी के पास पहुँचता है। तो ये जो GLBA एक्ट है, इसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप जब तक कस्टमर से कंसेंट नहीं लेंगे, आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी आदमी से, थर्ड पार्टी से शेयर नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें बड़े सीधे से प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप हायरार्की ऑफ द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर इस तरह का कोई ब्रीच हो जाता है विद इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जो दूसरे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, अगर इंडिया के पार्लियामेंट में देखें, IT एक्ट 2000, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको बहुत सारे एक्ट्स को पढ़ने के बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जितने भी साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज हैं इसमें कवर किए गए हैं। आप इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, आप चाहें इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसकी कमेंट्री भी अवेलेबल है और बहुत इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी। दूसरा एक्ट जो कि फ्रीली अवेलेबल है नेट पर, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। कंप्यूटर को इस्तेमाल करके लोग क्या क्या फ्रॉड्स कर सकते हैं और क्या क्या अब्यूज, साइबर अब्यूज आ सकते हैं, उन सब की जानकारी भी आपको मिल सकती है और उससे होने वाले लीगल फॉलोअप्स क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक्ट है। साथ ही साथ 1974 का एक्ट है ये, फेडरल प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको, इसमें हर चीज़ की डेफिनेशन बहुत विस्तार से बताई हुई है कि प्राइवेसी है क्या, प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपको इन एक्ट्स में मिल जाएगा। हमने फ्रेमवर्क्स के बारे में बात की, हमने लीगल्स के बारे में बात की, अब हम थोड़ा सा टच करेंगे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्यों बनाएं। सबसे पहला रीज़न है कि आज की तारीख में हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अंदरूनी और बाहरी थ्रेट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको ना खाली बाहर से होने वाले अटैक से आपको बचाना है, हो सकता है कि आपके अंदर के एम्प्लॉयज़
वो आपकी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं। रोज आप देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीचेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रुझान जो है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप खाली टेक्निकल कंट्रोल्स लगाएं और आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाए। आपको एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लगानी होगी, जिसमें कि आपके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी भी आ जाती है, आपके प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल कंट्रोल्स तो हैं ही। तो यहाँ पे हमारी मदद जो है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, वो बेसिकली एक बेस बना देते हैं जिसके बेसिस पे हम टेक्निकल कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे टेक्निकल और प्रोसीजरल कंट्रोल्स के बीच में एक बफर का काम करते हैं और दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हर कंपनी को अपने पास रखने चाहिए ताकि वो जो भी कॉन्स्टेंट इमर्जिंग थ्रेट लैंडस्केप है उसके खिलाफ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। साथ ही साथ जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ हमारी कंप्लायंस बनी रहे। कंप्लायंस बनने से है क्या कि जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में वो बनती है। आज की तारीख में हाउ कंप्लायंट यू आर टू द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स विल डिफाइन योर कंपनीज नेम इंटरनेशनली। ये आपको बेस प्रोवाइड करता है ताकि आप खुद टाइम टू टाइम अपने रिस्क को असेस करते रहें और उनको मिटिगेट करते रहें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ती है और साथ ही साथ एक इम्प्रूव सिक्योरिटी रिस्पॉन्स आपको मिलता जाता है जैसे जैसे आपकी थ्रेट्स चेंज होती जा रही हैं। तो टू समराइज दिस मॉड्यूल, हमने क्या क्या सीखा? हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को टच किया, जाना कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उससे कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो टॉप डाउन अप्रोच से ही चलती है। द रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने में हमारी मदद करते हैं और इन टर्न वी गेट अ ब्यूटिफुल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हमने जो एक्ट्स, जो कानून पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, ये हमने टच किया। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंचते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और आगे आने वाले समय में आपको अपना इस चीज़ में करियर बनाने में आपको मदद मिलेगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। धन्यवाद।